इस वक्त बिलावल गोवा पहुंच चुके हैं और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विदेश मंत्री पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो जो गोवा पहुंचे हैं एससीओ समिट में शामिल होने के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता दें क्योंकि कई सालों बाद विदेश मंत्री पाकिस्तान के इस वक्त एससीओ समिट में हिस्सा लेने भारत आए हैं और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं बिलावल भुट्टो की। हालांकि ये समय पहले से ही तय हो चुका था कि लगभग 2:30 बजे वो गोवा पहुंच जाएंगे और फिलहाल ये तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। तो गोवा में विदेश नीति की बात होगी, एससीओ देशों के साथ ये बात होगी और इसमें हिस्सा लेने के लिए बिलावल पहुंच चुके हैं और ये वहां से जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि एससीओ समिट में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है, कई एमओयूज भी साइन होने हैं और पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत पहुंचे हैं और देखना होगा कि भारत में जो उनका ये दौरा है वो क्या वाकई कोई सकारात्मक नतीजे लेकर आता है, क्या रिश्तों में सुधार की यहाँ पर कोई बात होती है, किस तरह के कदम उठाने की बात होती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा क्योंकि विदेश मंत्री पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो पहुंच चुके हैं भारत और आने से पहले उन्होंने ये उम्मीद जताई एक वीडियो संदेश के जरिए। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मित्र देशों के साथ बातचीत होगी, सकारात्मक रचनात्मक बैठक हो सकेगी। अब देखना होगा कि जिस मंशा के साथ वो यहाँ आ रहे हैं, जिस मकसद के साथ वो आ रहे हैं, वो पूरा हो पाता है या नहीं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें गोवा से। तो ये बड़ी खबर आप तस्वीरों के जरिए समझिए इसके मायने क्यों खास हो जाते हैं। इसलिए खास है क्योंकि पाकिस्तान में जो विरोधी हैं बिलावल के वो ये कहते हैं कि ये सिर्फ एक पैसों की बर्बादी है, ये तो एक टूरिज्म है जो वो करने के लिए जा रहे हैं भारत में और कोई इससे नतीजा नहीं निकलेगा। एक तो ये चैलेंज उनके कंधों पर, ये बोझ, ये बड़ी जिम्मेदारी क्योंकि अपना राजनीतिक वर्चस्व भी उन्हें दिखाना है और ये संदेश अपने मुल्क यानी पाकिस्तान में अपने विरोधियों को देना है क्योंकि भारत आना एससीओ समिट में बिलावल का बहुत मायनों में इसलिए खास हो जाता है क्योंकि भारत जहां एस जयशंकर इस बात को स्पष्ट अभी कर चुके हैं कि अभी कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं होने वाली, देखिए दोनों मुल्कों के विदेश मंत्रियों के बीच में भारत और पाकिस्तान, लेकिन ये उम्मीद बिलावल जाहिर कर चुके हैं कि वो चाहते हैं कि द्विपक्षीय वार्ता हो, लेकिन क्योंकि आतंक को पालने वाला पाकिस्तान हर मोर्चे पर विफल रहा है अपना पक्ष रखने में, फिर चाहे वो इंटरनेशनल फोरम ही क्यों ना हो, इसी को लेकर जीरो टॉलरेंस की जो नीति है हिंदुस्तान की उस पर अडिग है भारत और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये जो दौरा है इसका कंक्लूजन क्या निकलता है वो अब देखने वाली बात है। और शिवांगी ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवांगी, कूटनीति का खेल है यहाँ पर, तो जिन मुद्दों पर बात होनी है और देखना ये होगा कि बिलावल पास होते हैं इसमें या फेल, पहुंच चुके हैं गोवा। देखिए मलिका, आपसे कुछ ही देर में बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पर पहुंचेंगे और लंबे समय बाद ऐसा हो रहा है जब पाकिस्तान के कोई विदेश मंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं एससीओ समिट के लिए। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे ताज के बाहर की जहाँ पर हलचल बहुत तेज हो गई है क्योंकि अभी एक द्विपक्षीय वार्ता पहले ही सुबह हो चुकी थी और इस वक्त भारत के विदेश मंत्री रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव के साथ मुलाकात कर रहे हैं और ये भी देखना होगा जिस तरह के हालात इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच हैं, खासकर कल जिस तरह से क्रेमलिन में अटैक हुआ उसके बाद जो बातचीत होगी क्या उसको लेकर भी यहां पर चर्चा होगी क्योंकि यूक्रेन लगातार उम्मीद भरी निगाहों की ओर से भारत की ओर देखता रहा है। तस्वीरें आपको यह भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए भारतीय पत्रकारों के अलावा जो पाकिस्तान के पत्रकार है वो भी यहां पर पहुंचे और सारे इंतजार कर रहे हैं कि जब उनके विदेश मंत्री यहां पहुंचेंगे तो क्या वो कुछ कहते हैं क्योंकि ये मीटिंग अपने आप में बहुत अहम है। ये एससीओ की वो मीटिंग है जिसके लिए पहले पाकिस्तान की ओर से मना कर दिया गया था लेकिन अब वो यहां पहुंच रहे हैं, गोवा लैंड हो चुके हैं, तस्वीरें भी जारी कर दी गई हैं और अब से थोड़े ही पल में वो यहां पर पहुंचेंगे, उसके बाद ये देखना होगा कि कुछ कहते हैं या नहीं। और शिवांगी, 12 साल बाद पाक विदेश मंत्री का ये भारत दौरा है, एससीओ में क्या लग रहा है बिलावल भुट्टो के लिए, पाकिस्तान के लिए क्या कुछ हो सकता है, किस मकसद से वो यहां आए हैं? तो शिवांगी से फिर से हम संपर्क साधेंगे क्योंकि लगातार वो इस बड़ी खबर पर बने हुई हैं, ग्राउंड से हम आपको सारी अपडेट दे रहे हैं गोवा में, पूरी टीम एजी न्यूज की। लेकिन फिलहाल बिलावल पहुंच चुके हैं और इन तस्वीरों के साथ अब सबकी निगाहें, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया भी लगातार इस पर कई तरह की बातें रख चुका है, उनका ये कहना है कि अब बहुत ज्यादा कुछ निकलेगा नहीं क्योंकि भारत की नीति स्पष्ट है। दौरे से पहले ही, समिट से पहले ही ये संदेश दिया जा चुका था, ना केवल पाकिस्तान को, चीन के जरिए भी पाकिस्तान को ये संदेश दिया गया था भारत की तरफ से
कि जीरो टॉलरेंस की नीति है आतंकवाद को लेकर, और जब तक आतंकवाद को पालना पोसना बंद पाकिस्तान नहीं कर देगा किसी भी तरह की टेबल पर कोई चर्चा नहीं होगी। और एससीओ पर शहबाज की प्रतिक्रिया भी आई है, हम क्षेत्र में शांति स्थिरता के पक्षधर है, व्यापार और सहयोग के पक्ष में है पाकिस्तान, यानी कि एक सकारात्मक अप्रोच लेकर यहाँ पर बिलावल पहुंचे हैं। और एससीओ को लेकर क्या प्रतिक्रिया शहबाज की तरफ से आई है, सौहार्दपूर्ण माहौल के लिए संकल्पित। और विशाल पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, तस्वीरें सामने आ रही हैं, बिलावल वहां पर पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान के लिए भी एससीओ में शिरकत करना, इसका हिस्सा होना एक बड़ी बात है। क्या मकसद लग रहा है कि टॉप प्रायोरिटी क्या होगी पाकिस्तान के लिए, बिलावल के लिए? देखिए, यहाँ पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत पहुँच चुके हैं, थोड़ी देर पहले गोवा में वो पहुँचे और विदेश मंत्रालय के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी हैं उनको एयरपोर्ट पे रिसीव किया। और बिलावल भुट्टो अब से थोड़ी देर में अपने होटल में पहुँचेंगे। अभी तक बिलावल भुट्टो के साथ भारत की कोई मुलाकात, कोई द्विपक्षीय वार्ता बिल्कुल भी नहीं और ना ही होने की कोई संभावना है। लेकिन पाकिस्तान से रवाना होने से पहले बिलावल भुट्टो ने ट्वीट करके कहा था कि जो फ्रेंडली हैं उनके साथ उनकी बातचीत होगी, तो इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है कि पाकिस्तान और चीन के विदेश मंत्री आपस में बातचीत कर सकते हैं, द्विपक्षीय वार्ता कर सकते हैं। लेकिन भारत के साथ कोई भी यहां पर फिलहाल कार्यक्रम नहीं है बातचीत का, ये हमें सोर्सेस से जानकारी मिल रही है। बिलावल भुट्टो यहां पर आ रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से विदेश मंत्री के स्तर का कोई बड़ा नेता कई सालों बाद भारत पहुंच रहा है। लेकिन भारत आने के पीछे कारण सिर्फ एससीओ की बैठक है, क्योंकि एससीओ के सदस्य देश के तौर पर भारत ने पाकिस्तान को आमंत्रण भेजा था और बाकी अन्य देशों को भी, जो इसके 8 सदस्य देश हैं उन सभी को आमंत्रण भारत की तरफ से दिया गया था। उसी क्रम में, उसी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता के कारण ही यहां पर भारत ने पाकिस्तान को भी इनवाइट किया था और उसी क्रम में बिलावल भुट्टो यहां पर पहुंच रहे हैं। भारत की तरफ से कोई भी बातचीत यहां पर नहीं की जाएगी, क्योंकि भारत का रुख बहुत पहले से ही साफ रहा है पाकिस्तान को लेकर कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले या आतंकियों को पनाह देने वाले देशों के साथ कोई भी सार्थक बातचीत नहीं हो सकती। लेकिन क्या विशाल पाकिस्तान की तरफ से इनिशिएट किया गया है, क्या उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि वो भारत के साथ बातचीत चाहते हैं, द्विपक्षीय बैठक चाह रहे हैं? देखिए, अभी तक इस बात की भी कोई जानकारी नहीं मिली है, पाकिस्तान की तरफ से भी अभी तक ऐसा कोई पेशकश नहीं हुआ है और ना ही भारत की तरफ से इस मामले में कोई ऑफर किया गया है, क्योंकि भारत का रुख बिल्कुल साफ है। जिस तरह से पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है, आतंकी अड्डों को पनाह देता है, ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत की गुंजाइश बचती नहीं है। रही बात इस एससीओ समिट की, तो एससीओ समिट में पाकिस्तान के आने का मतलब सिर्फ यही है कि वो एससीओ का सदस्य देश है, उसके साथ भारत का कोई भी इस तरह की बातचीत, द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी। जो एससीओ के मुद्दे हैं उस पर चर्चा होगी, खासतौर पर सुरक्षा और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर भी कल होने वाली विदेश मंत्रियों की बैठक में चर्चा की संभावना है। और बिलावल भुट्टो भारत फिलहाल पहुंच चुके हैं मीडिया के जरिए या फिर अपने स्टेटमेंट के जरिए, बल्कि फेस टू फेस भी भारत ये स्पष्ट करने वाला है, यानी विदेश मंत्री ये स्पष्ट करने वाले हैं समिट में कि जीरो टॉलरेंस की नीति आतंकवाद पर भारत की है। बातचीत टेबल पर तभी होगी जब आतंकवाद को लेकर सॉल्यूशन निकलेगा। विशाल कट गया। तो विशाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, शिवांगी विशाल दोनों गोवा में हैं इस वक्त हमारे संवाददाता। और फिलहाल आपको बता दें कि अब इस बैठक में शामिल होने के लिए 10 से बाकी देशों के प्रतिनिधि पहुंचे हैं, बिलावल भुट्टो भी पहुंच चुके हैं गोवा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है और इस पर हम लगातार बने रहेंगे। Zee News.